जिला बिलासपुर के अंतर्गत आने वाली पंचायत मोर सिंह की कांग्रेस के समय में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंजूर हुआ था। यह स्वास्थ्य केंद्र 13 लाख रुपए की राशि से बनाया जाना था। पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने सदर विधायक पर जानबूझ से कार्यालय का नेट का आरोप लगाया है। उन्होंने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य रुकवा दिया है, जिसके चलते सदर विधायक चाहते हैं कि इसका शिलान्यास दोबारा किया जाए और जो इस पर पट्टी लगी है उसे भी बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसके कारण वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। जो कोल्ड लाइन विस्थापितों का जो 1% हिस्सा जो 20 और 25 हज़ार रुपये के करीब बनता है, जो हर विस्थापित को दिया जाएगा, वो 2017 से वो राशि कांग्रेस सरकार ने जारी की है। उपायुक्त कार्यालय में उस राशि के ऊपर जो है उपायुक्त उंगली मार के बैठे हैं, वो राशि उनको जारी नहीं की जा रही है। इसी प्रकार सदर चुनाव क्षेत्र के अंदर मैंने करोड़ों रुपये की स्कीमें मंजूर की हैं, उन स्कीमों का शिलान्यास नहीं किया जा रहा है। और क्योंकि 2 साल तक उनको इसलिए रोका गया है ताकि ये दर्शाया जाए कि ये स्कीमें कांग्रेस ने मंजूरी नहीं की। अब हम आज हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि हमने जोड़ पड़ाखी मसौर को 1,68,00,000 रुपए दिया पेयजल के लिए, 1,43,00,000 हमने रोहिण को दिया, 1,25,00,000 हमने मल्यावर को दिया, 70,00,000 हमने गहरा बलचरौनी को दिया, टीरा को हमने 39,00,000 रुपये दिया और 22,00,00,000 रुपये जो हमने बिलासपुर की सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए नए सिरे से सीवरेज डालने के लिए दिया था, जिसकी NOC भी BBMP से आ चुकी थी, वो पैसा इस नालायक सरकार ने वापिस कर दिया, लैप्स हो गया पैसा। वो MLA जो है वो कुंभकर्ण के नींद सोया हुआ है। और 1,00,00,000 रुपये मैंने बिलासपुर शहर में अलीखंड से पानी उठा करके शहर को पानी देने के लिए मंजूर किया है, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे मांगे हैं, 4 लेन का काम बंद पड़ा है। भाखड़ा विस्थापितों को बंबर ठाकुर यदि कोल डैम में 1% हिस्सा कोल डैम के विस्थापितों को दे सकता है, कोल डैम के विस्थापितों को 100 यूनिट बिजली मुक्त कराई जा सकती है, तो क्या देश में बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी और बिलासपुर के तीनों विधायक और अनुराग ठाकुर जी, क्या भाखड़ा विस्थापितों को 100 यूनिट बिजली मुक्त नहीं करा सकते? क्या जो 1% हिस्सा जो हमने कोल डैम के लिए मंजूर कराया है, जो चमेरा में भी लोगों को मिल गया, क्या वो हिस्सा बिजली का हिस्सा, बिजली उत्पादन का हिस्सा क्या भाखड़ा विस्थापितों को नहीं मिलना चाहिए? ये हमारी मांगे हैं। और जो वीरभद्र सिंह की सरकार ने भाखड़ा विस्थापितों के लिए प्लॉट आवंटित किए थे, उनका कब्जा तक जो है 2 सालों में ये सरकार विस्थापितों को, भाखड़ा विस्थापितों को नहीं दे पाई और भाखड़ा विस्थापितों की जो मजबूरी बस जो किए हुए कब्जे हैं उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है, जिनकी फाइलें बिल्कुल सही हैं, जिनकी जो है तहसीलदार ने भी रिपोर्ट कर दी है, पटवारी ने रिपोर्ट कर दिया कि इनको जमीन का मालिक बनाया जाना उचित है, वो फाइलें ADM के दफ्तर के पास जो है धूल फांक रही है, उनको राजनीतिक तौर पर जो है और सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं। जो कांग्रेस के व्यक्ति हैं जिनका हक बनता है उसका हक को छीना जा रहा है, जनमंच के अंदर भी जो है भेदभाव हो रहा है, जनमंच में भी जो है वो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काम हो रहे हैं और जो आम जनता है और जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिनके जायज काम है, जिनके लीगल काम है, और लीगल काम रोके जा रहे हैं और इलीगल काम जो है वो ये प्रशासन भी कर रहा है और ये सरकार भी करा रही है, जिसके खिलाफ हमने यहाँ पे धरना दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 1% हिस्से की जो राशि जो वीरभद्र ने जारी करी है, जो वीरभद्र की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने विस्थापितों के लिए जारी करी है, उसको तुरंत जारी करें। जब तक ADM DC बिलासपुर जो है उस राशि को विस्थापितों को नहीं देता, बंबर ठाकुर यहाँ से नहीं उठेगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि इतनी भारी जनता यहाँ पे आई आई अपने अपने घरों को जाए, लेकिन बंबर ठाकुर यहाँ पे बैठा रहेगा। मुझे आप गिरफ्तार करो, जेल में ले जाओ, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक विस्थापितों की राशि जारी नहीं होगी, और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक पर्ची पार्टी वाला नेता जगत प्रकाश नड्डा ये कहता था मेरे पास पर्ची पार्टी नहीं है, आज पूरे देश के नेता वो बने हैं। आज मोदी के बाद यदि कोई नाम आता है तो JP नड्डा का आता है। आज बिलासपुर के भाखड़ा विस्थापितों को वो 1% हिस्सा दिलाए, 1% हिस्सा भी दिलाए और बिजली भी मुक्त करें और BBMP के अंदर नौकरियां दिलाएं। यदि NTPC के अंदर बंबर ठाकुर अपने MLA होते हुए 300 नौजवानों को नौकरी दे सकता है, तो BBMP के अंदर जो है जगत प्रकाश नड्डा क्यों नहीं दे सकता, यहाँ के जो MLA है वो क्यों नहीं दे सकते? जनमंच में भी जो है वो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काम हो रहे हैं
और जो आम जनता है और जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिनके जायज काम है, जिनके लीगल काम है, वो लीगल काम रोके जा रहे हैं और इलीगल काम जो है वो ये प्रशासन भी कर रहा है और ये सरकार भी करा रही है, जिसके खिलाफ हमने यहाँ पे धरना दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 1% हिस्से की जो राशि जो वीरभद्र ने जारी करी है, जो वीरभद्र की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने विस्थापितों के लिए जारी करी है, उसको तुरंत जारी करें। जब तक ADM DC बिलासपुर जो है उस राशि को विस्थापितों को नहीं देता, बम ठाकुर यहाँ से नहीं उठेगा। मैं लोगों से अपील करूँगा कि इतनी भारी जनता यहाँ पे आई आई अपने अपने घरों को जाए, लेकिन बम ठाकुर यहाँ पे बैठा रहेगा। मुझे आप गिरफ्तार करो, जेल में ले जाओ, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक विस्थापितों की राशि जारी नहीं होगी, और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक पर्ची पार्टी वाला नेता जगत प्रकाश नड्डा ये कहता था मेरे पास पर्ची पार्टी नहीं है। आज पूरे देश के नेता वो बने हैं। आज मोदी के बाद यदि को नाम आता है तो JP नड्डा का आता है। आज बिलासपुर के भागड़ा विस्थापितों को वो 1% हिस्सा दिलाएं, 1% हिस्सा भी दिलाएं और बिजली भी मुफ्त करें और BBMP के अंदर नौकरियां दिलाएं। यदि NTPC के अंदर बम ठाकुर अपने MLA होते हुए 300 नौजवानों को नौकरी दे सकता है, तो BBMP के अंदर जो है जगत प्रकाश नड्डा क्यों नहीं दे सकता, यहाँ के जो MLA है वो क्यों नहीं दे सकते। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु परवाकर की रिपोर्ट।